बरतानवी शहर मैनचेस्टर में दो धमाके हुए। सबसे पहले इसी वाकये से मुतालिक आपको अपडेट करें, हलाकतों की तादाद अब बढ़ गई है और ये हलाकतें अब 22 हो चुकी हैं। बच्चों और खातीन समेत 59 अफराद ताहाल जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के इस हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया गया है कि धमाका खुदकुश लगता है, ज्यादा हलाकतें भगदड़ मचने से हुई। मैदान दो धमाकों से गूंज उठा, धमाकों के बाद भगदड़ मच गई। हलाकतों की तादाद 22 हो गई है, जबकि 59 अफराद जख्मी हैं। पुलिस चीफ एन हॉपकिंस के मुताबिक फिलहाल वाकये को दहशतगर्दी के तौर पर देख रहे हैं। धमाके कॉन्सर्ट के मकाम के बैरूनी तरफ हुए के बाद भगदड़ मच गई। We started walking down to the set and that's when we heard an explosion. So I was like, we need to run. So we started running. We ran straight out the doors all the way down to the hotel and all I could hear was screaming, people crying. Everyone was just running everywhere. So everyone kind of calmed around us and then all of a sudden everyone just started screaming and running in every direction, and there was one girl there who She tumbled over the seat. धमाकों के बाद करीबी ट्रेन स्टेशन विक्टोरिया स्टेशन को बंद कर दिया गया। पुलिस ने आवाम को धमाकों की जगह से दूर रहने की हिदायत की है। उधर वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने इस कार्रवाई को काबिले नफरत करार दिया है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम भी मुअत्तल कर दी।